1, 2, 12, 13. Jalinira, spirit, I am aware of your presence. Please come now. क्या करूँ, बहुत टाइम हो चुका है. वैसे मुझे ना थोड़ा सा सांस फूलने वाला जो होता है ना, तो कुछ तो पानी जैसा आवाज आया, जैसे कि किसी ने बाथरूम में ना नल चला दिया हो. बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यार. Hi guys, welcome to my channel. आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो हॉरर चैलेंजेस करने के लिए, बट मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर पे जब कोई नहीं रहता है तभी मैं हॉरर चैलेंजेस कर पाती हूँ. एंड आज मैं आफ्टर 3 months एक हॉरर चैलेंज लेके आ चुकी हूँ. एंड आज की वीडियो में मैं एक ऐसा रिचुअल करने वाली हूँ, हॉन्टेड रिचुअल, जो इंडिया में क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम लोगों ने किया है. एंड ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिचुअल्स में से है. एंड इसका नाम है द ड्राई बोन रिचुअल. इस रिचुअल से आप किसी घोस्ट या स्पिरिट को आपके घर पे बुला सकते हो. एंड अगर आप ये रिचुअल को सरवाइव करते हो, मतलब रिचुअल के बाद जिंदा रहते हो, देन आपकी कोई विश पूरी हो जाती है. बट गाइज, आप तो ये सुन के समझ ही सकते हो कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक चैलेंज है. तो मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज आप इसको घर पे मत ट्राई करिए, आपके लाइफ के साथ बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए. बट गाइज, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये वाला चैलेंज कर रही हूँ, ताकि आपको देख के मजा आए. तो प्लीज यार, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता है ऐसे चैलेंजेस करते हुए, बट फिर भी आपके लिए करती हूँ, तो एक लाइक तो बनता है. गाइस, गाइस, मैं आपके बारे में नहीं जानती, बट मुझे स्कूल में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये सब क्यों पढ़ना जिसका हमारे जीवन में किसी भी तरह का यूज ही ना हो. बट बेशक मैं गलत थी, क्योंकि कोई भी टाइप की नॉलेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस नॉलेज से आप अर्न कर सकते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम ये जानते हैं कि ट्रेनिंग के लिए आपको पहले पे करना होता है, और लॉन्ग टाइम के ट्रेनिंग के बाद ही हम अर्न कर सकते हैं. क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक ही टाइम पे पढ़ भी सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं, साथ ही स्टार्टिंग की फर्स्ट अर्निंग को अर्न करने में आपको 10 मिनट से ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. मैं आपको एक ट्रेडिंग चैनल बताती हूँ जिसका नाम है मेगा ट्रेडर. ये सिर्फ बिनो प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करके कमाते हैं, और हर कोई यहाँ से सीख सकता है. मैंने तो कुछ महीने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, और यही से मैंने सीखा कि ट्रेडिंग करना कितना आसान है. अगर कम्युनिटी का सपोर्ट हो तो फेलियर के बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है, तो हार भी ठीक है. अगर आप कमाना चाहते हो, देन यहाँ पे आप 700 रुपीज से भी 70,000 रुपीज तक कमा सकते हो. गाइस, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन करो कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स में, और देखो पैसा कैसे अर्न करते हैं जस्ट रिपीटिंग आफ्टर ट्रेडिंग कंपनी. अब रोज 5 से 10 मिनट सीखिए और रोज का 1,000 रुपया तक अर्न करिए ट्रेडिंग कंपनी के साथ. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, तो ये रिचुअल आपको एग्जैक्टली रात के 12 बजे स्टार्ट करना होता है. एंड इसको करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, कैंडल एंड मैचस्टिक्स. बट ये रिचुअल स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, कि आपके घर का कोई भी दरवाजा या विंडो या फिर कबर्ड, क्लोजेट, कुछ भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए. आपको फुल्ली सब कुछ क्लोज कर देना है. एंड ये रिचुअल खत्म होने तक आपको घर की एक भी लाइट ऑन नहीं करनी. तो सबसे पहले आपको बाथरूम में जाके आपकी विश के बारे में सोचना है. एंड उसके बाद एक मैचस्टिक जला के आपको चेक करना है कि उसका फ्लेम 15 सेकेंड तक जलता है या नहीं. गाइस, इस रिचुअल में बोला जाता है कि अगर आपका मैचस्टिक 15 सेकेंड तक जल जाता है, सिर्फ तभी आप इस चैलेंज को कंटिन्यू कर सकते हो. और अगर 15 सेकंड से पहले ही बुझ जाता है, देन आपको ये चैलेंज कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब आपको कुछ खतरा भी हो सकता है. इसके बाद आपको दूसरा मैचस्टिक लेके एक कैंडल जलाना होता है, एंड तभी आप स्पिरिट को बुलाते हो. आपको बाथरूम की मिरर में देख के बोलना होता है दैट आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस. मुझे आपकी प्रेजेंस की पता है, मैं जानती हूँ आप यही कही हो. यू आर वेलकम इन टू माई हाउस, आप प्लीज मेरे घर में आओ. ये सेम चीज आपको 3 बार बोलना होता है. एंड इसके बीच में अगर आपको कोई भी आवाज सुनाई दे या फिर आप कुछ भी महसूस करो, देन आपको तुरंत ये चैलेंज बंद कर देना है. आप ये रिचुअल आगे नहीं कर सकते हो. बट अगर आप ये रिचुअल को कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर आपके साथ वैसा कुछ होता नहीं है, एंड बाथरूम की गेट बंद करके आपको कहीं पे भी छुप जाना है, एंड रात के 3 बजे तक आपको छुपे ही रहना है. अगर आप ये कर पाते हो एंड पूरा ये रिचुअल
रिचुअल को आप सर्वाइव कर लेते हो तभी आपका कोई भी एक विश पूरा हो जाता है। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हॉन्टेड रिचुअल है, तो यार थोड़ा बहुत तो डर मुझे लग रहा है करते हुए, बट फिर भी आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज की हॉन्टेड रिचुअल। एंड गाइज, आप देख सकते हो मैंने ट्राईपॉड पे कैमरा लगा दिया है क्योंकि शूट करने के लिए भी आज घर पे कोई भी नहीं है। सो गाइज, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। एंड गाइज, जस्ट देखो यार, मेरा जो साया है ना, इससे भी मुझे डर लग रहा है। और क्या बताऊं, रात के टाइम पे ना अगर घर पे कोई नहीं हो, अकेले टॉयलेट जाने में भी मुझे डर लगता है, पता है। और आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा। तो चलो यार चलते हैं फाइनली वॉशरूम में। गाइज, आप देख ही सकते हो 12 बजने ही वाला है, एंड एग्जैक्टली 12 बजे मैं ये चैलेंज स्टार्ट करूंगी। ओके गाइज, तो मैं बाथरूम में आ चुकी हूँ एंड अभी हम देखने वाले हैं मैच स्टिक जला के कि ये मैच स्टिक 15 सेकेंड तक जलता है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. What the hell, man? Guys, बोला जाता है कि अगर आपका मैचस्टिक 15 सेकेंड तक नहीं जलता है देन आपको ये चैलेंज नहीं करना चाहिए। हमारा जो मैचस्टिक है वो 13 सेकंड में बुझ गया, 13 सेकंड तक जला था। क्या करो यार, समझ में नहीं आ रहा। बट आई थिंक कि मैं ये चैलेंज करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा। वैसे बोला जाता है कि अगर आप इस चैलेंज को अभी भी कंटिन्यू करते हो आपको खतरा हो सकता है, आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये सब होता होगा। सो मैं ये कंटिन्यू करना चाहूँगी। ओके गाइस, तो अभी मैं कैंडल जलाऊंगी। चल ही नहीं रहा यार, क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब। ओके गाइस, अभी हम फाइनली स्पिरिट को बुलाएंगे। स्पिरिट, आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस। मुझे पता है आप यही कहीं हो। प्लीज कम नाउ, प्लीज आप आ जाओ। स्पिरिट, आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस। मुझे पता है आप यही कहीं हो। प्लीज कम नाउ, प्लीज आप आ जाओ। स्पिरिट, आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस। मुझे पता है आप यही कहीं हो। प्लीज कम नाउ, प्लीज आप आ जाओ। गाइज, आई डोंट नो कैमरा में आ रहा होगा या नहीं क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है। बाहर ना कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब कुत्तों का भौंकने कैसा साउंड आ रहा है गाइज। बट आई थिंक कि रात को वैसे भी कुत्ते थोड़े बहुत भौंकते ही हैं, तो मैं ऐसे ही डर रही हूँ। तो आई थिंक मैं इस चैलेंज को कंटिन्यू करूँगी। वैसे अगर सच बोलूँ तो मुझे उतना भी ज़्यादा डरावना कुछ फील नहीं हुआ। थोड़ा सा ये कुत्तों वाला साउंड तो आया है, बट उतना भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी ये साउंड आता नहीं है, ये साउंड कॉमन होता है, तो उतना ज़्यादा डरावना कुछ फील नहीं हुआ मुझे। तो मैं ये चैलेंज कंटिन्यू करूँगी गाइज। गाइज, ओ बाप रे गाइज, सच बात बताऊँ मैंने ज़िंदगी में ना किसी भी कैंडल को इतना ज़्यादा जलते हुए नहीं देखा है, तो थोड़ा बहुत अजीब तो मुझे लग रहा है। तो फाइनली मैं बाहर निकल चुकी हूँ गाइज बाथरूम से, एंड हमें अभी किसी भी जगह पे जाके छुप जाना है। तो सबसे पहले तो मैं बाथरूम को लॉक कर दिया है मैंने, एंड आप कहीं पे भी रूम के अंदर या फिर कहीं पे भी छुप सकते हो, किचन में या फिर कहीं पे भी, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मेन गेट को, मेन दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। तो चलो यार छुप जाते हैं कहीं। सो गाइज, मैं इस रूम में आके छुप गई हूँ, कैमरा भी सेट कर दिया है, एंड अभी हमको इसी जगह पे क्वाइटली रहना है 3 बजे तक।
एंड मेरे पास मोबाइल भी अभी नहीं है यार, मोबाइल मैं बाथरूम में छोड़ के चली आई हूँ, तो मुझे बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है कि अभी कितना बज रहा है। बट जितना भी टाइम मुझसे हो पाएगा मैं बैठी रहूँगी इसी जगह पे। एंड इस रिचुअल में बोला जाता है कि इस टाइम पे जब आप वेट करते हो ना, स्पिरिट आपको आपके पूरे घर में ढूंढता रहता है। एंड अगर आप स्पिरिट को मिल जाते हो देन आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें भी हो सकती हैं, तो हमें यहाँ पे क्वाइटली बस बैठे रहना है। गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे दर्द तो आई स्वेयर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट उतना भी मतलब मुझे कुछ एकदम से जो होता है ना कि मतलब कि आपको एकदम कुछ ऐसा चीज़ हो जिससे आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे स्पिरिट का प्रेजेंस है, वैसा कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, बहुत टाइम हो चुका है। सुनाई दिया गाइज आपको, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे, मतलब रात के वक्त कौवे का आवाज़ नहीं आना चाहिए, उतना ज़्यादा नॉर्मल तो ये है नहीं। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हाँ आ सकता है, बट आई एम टेलिंग यू काफ़ी टाइम से आ रहा है। आई डोंट नो कैमरा में कैच हो रहा है या नहीं, बट आई स्वेयर गाइज एकदम ना कौवे जैसा ही आवाज़ आ रहा है। गाइज काफ़ी टाइम हो चुका है एंड आप देख सकते हो ना मेरा कैंडल भी काफ़ी छोटा हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे बिता लिया है। और अभी फाइनली मैं लास्ट कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर यहाँ पे कोई भी स्पिरिट या कुछ भी हो तो मुझे उसका प्रेजेंस फील हो। सो मैं और एक कैंडल मैंने लेके रखा था, तो इसको भी मैं जला दूँगी एंड मैं फिर से स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करूंगी। गाइज आई डोंट नो कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट फिर से कुत्ते भौंक रहे हैं, तो मैं फाइनली अभी स्पिरिट को बुलाने वाली हूँ। लेट्स सी हमें कुछ भी फील होता है या नहीं। मैं सही में चाहती हूँ कि अगर सही में यहाँ पे कोई भी स्पिरिट है तो प्लीज मुझे फील हो जाए। स्पिरिट I am aware of your presence. मुझे पता है आप यहीं पे हो, प्लीज कम, आप प्लीज आ जाओ। स्पिरिट I am aware of your presence. मुझे आपकी प्रेजेंस की पूरी तरह से पता है, यू आर वेलकम टू माई होम, प्लीज आप आ जाओ। स्पिरिट I am aware of your presence. यू आर वेलकम टू माई होम, प्लीज कम, आपकी मेरे घर में स्वागत है, आप प्लीज आ जाओ। अगर यहाँ पे कोई भी स्पिरिट है देन मुझे अपना एहसास कराओ, मुझे फील कराओ कि तुम यहाँ पे हो। गाइज मैंने हर तरीके से कोशिश किया कि मुझे कुछ भी फील हो पाए या फिर कुछ भी दिखे, कुछ भी वैसा लगे कि जो अननेचुरल हो। आई डोंट थिंक कुछ भी वैसा हुआ है। वैसे मुझे ना थोड़ा सा सांस फूलने वाला जो होता है ना, तो आई स्वेयर मुझे अभी कुछ तो पानी जैसा आवाज आया, जैसे कि किसी ने बाथरूम में ना नल चला दिया हो। गाइज मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये आवाज किस चीज का था, हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो हो भी सकता है कि ऊपर वाले फ्लोर में किसी ने नल वल चलाया होगा, बट इतना नीचे तक आवाज आता नहीं है, तो मैं जाके थोड़ा सा देखने वाली हूँ कि एक्चुअल में कुछ ऑन है या नहीं। गाइस ये वाला बेसिन का तो कुछ भी नहीं है, माय गॉड डर लग रहा है गाइस, सच्ची बोलूं तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यार। कुछ भी तो नहीं है, बट आवाज आया था यार। गाइस लाइट ऑन तो नहीं करना चाहिए था, बट मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था इसलिए मैंने लाइट्स को ऑन कर दिया। एंड आई डोंट नो कि ये चैलेंज कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, बट अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो गाइस अभी ऑलरेडी रात के 2:30 बज चुका है, आपको दिख रहा होगा। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर आपको ये चैलेंज देख के मजा आया है देन प्लीज इसको एक लाइक कर दो, क्योंकि मुझे यार बहुत ज्यादा डर लगा है, मैं बहुत डरते डरते वीडियो बनाई हूँ। यार पता नहीं आज रात को कैसे नींद आएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।